In this video, we will discuss self-practice 6B. Question number 1 is, solve each equation and check your answer. ठीक है, अभी हमने एक्सरसाइज 6A में हमने क्या किया, हम वेरिएबल इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और वो हमारा आंसर होता था. अब हमें करना वही है, पहले तो इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें अपने आंसर को चेक भी करना है. ठीक है, इसमें एक स्टेप बढ़ गया, आंसर चेकिंग. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं. तो x की वैल्यू कैसे सिखाई थी, x की वैल्यू निकालने के लिए x को खाली करना पड़ेगा. तो पहले उसके साथ 5 प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में है, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3. अभी भी x खाली नहीं है, उसके साथ 2 जो है वो डिवाइड में है, तो वहाँ जाके इनटू में बन जाएगा. तो 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 6. अब हमको चेक करना है कि जो x इज इक्वल टू 6 आया है वो सही है या नहीं. चेकिंग करने के लिए हम अगेन क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे. क्वेश्चन में हमेशा दो पार्ट होते हैं, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के बाद वाला राइट हैंड साइड. ठीक है, हम जहाँ पे x होगा हम उस पार्ट को लेंगे. x किस पार्ट में है, लेफ्ट वाले पार्ट में, तो हम टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड x अपॉन 2 प्लस 5. ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू जो अभी हमारी आई है हम वहाँ पुट कर देंगे. x इज इक्वल टू 6, पुट करो x की जगह 6 अपॉन में 2 प्लस 5. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आ गया 3 प्लस 5. 3 प्लस 5 ऐड करो 8. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड वाला. तो यस, लेफ्ट और राइट बराबर आ रहे हैं ना ये वैल्यू रखने पर, मतलब कि ये ट्रू है, हमारी वैल्यू हमने जो निकाली है वो ट्रू है. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाइड हो गया कि हमने सही निकाला है. तो ये होती है चेकिंग. क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, वाई अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7. पहले वाई की वैल्यू निकालेंगे. y की वैल्यू निकालने के लिए 1 जो है वो नेगेटिव में है, वहाँ जाके पॉजिटिव में. 7 प्लस 1 जो है 8 बन जाएगा. अभी भी y खाली नहीं है, उसके साथ 3 जो है वो डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो 3 8 जा 24. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24. अब हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है वो सही है या नहीं. हम अगेन क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, उसमें लेफ्ट हैंड पार्ट को उठाएंगे क्योंकि इधर पे y है, लेफ्ट हैंड साइड लिया. इसमें जो y की वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे 24. तो 24 अपॉन 3 माइनस 1, 3 वन जा 3, 3 एट जा 24, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7. देखो राइट वाला पार्ट आ गया 7. तो यस, इट इज़ वेरीफाइड, ये हमारी वैल्यू सही आई है. यहाँ पे यदि राइट हैंड साइड पार्ट नहीं आता, मतलब आपने वैल्यू गलत निकाली है, तो आप फिर से चेक करना अपना क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 माइनस m अपॉन 8 इज इक्वल टू 5. ठीक है, m अपॉन 8 के साथ 2 जो है वो प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में, 5 में से 2 गया 3. अभी भी 8 डिवाइड में है, वहाँ जाके इनटू में, 3 8 जा 24. m की ये माइनस को वहाँ ट्रांसफ़र कर देना, तो माइनस 24. चेकिंग करेंगे. ठीक है, चेकिंग करने के लिए जो m की वैल्यू आई है वो हम वहाँ पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ m की जगह माइनस 24. ठीक है, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 24 अपॉन 8, 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24. 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, राइट हैंड साइड आ गया ना 5, मतलब आंसर ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, ये आपके होमवर्क हैं दोनों. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 3 इज इक्वल टू 5. अब ये देखो, ये दोनों को ऐड करना है, तो ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन कभी ऐसे नहीं होती. 2 और 3 का क्या लेना पड़ेगा, LCM. जब 2 3 का LCM लोगे तो आएगा 6, यहाँ लिखा 6 अपॉन लगाया. 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में. 3 इंटू एन किया तो 3n, प्लस लगाया 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स में, 2 इंटू एन किया तो 2n इज इक्वल टू 5. अभी 6 डिवाइड में, वहाँ जाके इंटू में, 6 5 जा 30, और 3n प्लस 2n 5n. n की वैल्यू निकालनी है, n के साथ 5 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, n इज इक्वल टू 6. अब चेकिंग करनी है, चेकिंग के लिए n की वैल्यू जो आई है वो इधर क्वेश्चन में पुट करेंगे. तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 6 रखा, 6 अपॉन 2 अपॉन 6 अपॉन 3. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 प्लस 2 आ जाएगा 5. देखो राइट हैंड साइड आ गया 5, मतलब कि ट्रू है. 7th देखो, 7th थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मिक्स्ड में दिया है, तो पहले मिक्स्ड से हम फ्रैक्शन बनाएंगे. सबको बनती होगी, कैसे बनाते हैं, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13 अपॉन 2, डिनोमिनेटर वही रहता है. यहाँ 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 बाई 2. ठीक है,
तो अब ये वाली क्या बन गई 13/2, और ये वाली क्या फ्रैक्शन बन गई 3/2, 1 - 2x इट इज इक्वल टू -4। ठीक है, 3/2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा तो 3/2, अब का 1 के साथ होगा तो 3/2, माइनस लगाया 3 × 2 = 6/2x। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, 13 + 3 - 6x = -4। ये 2 को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई में 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और यहाँ दोनों जुड़ के 16। इस नंबर को ट्रांसफ़र कर देना तो प्लस में था तो वहाँ जाके माइनस में, और -6 ऑलरेडी है, -24, तो x इज इक्वल टू -24/-6, 6 × 6 = 24। अब ये वैल्यू चेक करना, तो समझ में आ गया है ना कैसे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेना, जहाँ जहाँ x देखे वहाँ वहाँ 4 रख देना। ठीक है, ये x एक ही जगह है वहाँ रख दिया 4, 4 × 2 बन जाएगा 8, 1 - 8 करेंगे तो अब हमको 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2 का 1 के साथ होगा तो 3/2 माइनस 8 × 3 = 24/2, तीनों का एलसीएम लेंगे 2, 13 + 3 - 24, 13 और 3 जुड़ के 16, -24/2, 16 में से 24 नहीं जाता, 24 में से 6 घटाओगे तो 8 आएगा, 24 बड़ा था उसका साइन माइनस था इसलिए -8/2, 2 × 2 2 × 4 = 8, देखो -4 राइट हैंड साइड -4 था, आ गया ना, मतलब वेरीफाइड हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे करने हैं क्वेश्चन। तो ये पूरे 10 क्वेश्चन है, मैंने 8th वाला भी कर दिया है, समझ में आ गया होगा, जहाँ नहीं समझ में आया आप पूछोगे अभी। ठीक है, 5 और 8 का एलसीएम लोगे इसमें भी, 8 40 आ जाएगा, 40 रखना, 5 की टेबल में 40 8 टाइम्स में ये ब्रैकेट, 8 की टेबल में 40 5 टाइम्स में ये उसके साथ, 8 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा, x की वैल्यू 7, फिर इसे क्वेश्चन में रख दोगे और यदि राइट हैंड साइड आ जाता है तो आपका आंसर ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th भी 8th के जैसा है, पहले जेड की वैल्यू निकालोगे फिर उसे आंसर में रखोगे, लेकिन इसकी चेकिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसकी चेकिंग समझ लो। ठीक है, इसकी चेकिंग में क्यों डिफरेंट है, ये जेड की वैल्यू तो निकाल लोगे ना, समझ में आ गया होगा, ये देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। देखो 3 3 एलसीएम तो आएगा 3, 4z + 1 = ये, अब इसमें देखो ये दोनों साइड हैं तो हम इसका पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे 4z + 4 के पास, और 3 को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 3z - 1 के पास, 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 4 × 2 = 8z + 4 × 2 = 8 = यहाँ पे 3 का 3 × 3 = 9z - 3, z वालों को एक तरफ, नंबर वालों को एक तरफ, तो z की वैल्यू आ जाएगी 11। अब जब हम इसको पुट करेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे, तो देखो लेफ्ट वाले में भी z है यहाँ, और राइट वाले पार्ट में भी जेड है, तो आपको पहले लेफ्ट को सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, फिर राइट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर उनके आंसर चेक करने पड़ेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो जहाँ जेड है वहाँ 11 रखो, 4 × z = 4×11 + 4/3, 4 × 11 करेंगे 44 + 4/3, 44 + 8 = 4 = 48/3, 3 × 3 = 16 / 48। राइट में जहाँ जेड है वहाँ 11 रखे, 3 × 11 - 1/2, 11 × 3 = 33 - 1/2, 33 - 1 = 32/2, 2 × 2 = 16 / 32। देखो ये भी 16 आया, ये भी 16 आया, वेरीफाइड हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10th सेम है, कर आपको खुद करना है, मैंने कर लिया है, फिर आप आंसर चेक कर लेना। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे, आपके यहाँ तक पूरा कंप्लीट होनी चाहिए कॉपी 6B तक। थैंक यू।